हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, पार्ट वन करके एक वीडियो बनाया था जिसमें इस पशुपति क्षेत्र की पहला हिस्सा था, जैसे कि पूजा सामग्री की दुकान, जूता चप्पल उतारना, मंदिर के एंट्री गेट, पूजा करवाना, दर्शन के लिए लाइन लगाना और कुछ ऐसा ही। तो दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में पशुपति क्षेत्र की दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ, जिसे आर्यघाट के नाम से जाना जाता है। आर्यघाट यानी कि सब अंत्येष्टि करने की स्थान है, जो बागमती नदी के किनार में है। तो दोस्तों, मैं उसी आर्यघाट की ओर जा रहा हूँ। आप सब मेरे वीडियो में बनते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, और अगर हो सके तो मेरे इस ब्लॉग को भी प्लीज़ सपोर्ट भी करना ना भूलिए। दोस्तों, आगे देख सकते हो आप लोग भी, सब वाहन करके गाड़ी खड़ा है। इसमें भी किसी का सब लेके आया होगा अंत्येष्टि करने के लिए। दोस्तों, इस साइड में कोई भी फोटोग्राफ्स या वीडियो ले सकता है, इसके लिए अलाउ है यहाँ पे। दोस्तों, आपको दिखाई दिया होगा इसी बागमती नदी के किनार में सब अंत्येष्टि किया जाता है, सबको जलाया जाता है। फिलहाल अभी बागमती नदी सूख गया है। यहाँ पे एक नारायण भगवान की मूर्ति है। एक बूल दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है यही बागमती नदी है, और नदी के किनार में सब अंत्येष्टि के लिए सजावट की जा रही है। अभी मैं इस ओर से यहाँ का वीडियो शूट कर रहा हूँ।
दोस्तों हूँ तो मैं नेपाल से, फिर भी आज की इस वीडियो उन दोस्त के लिए है, सिर्फ उन भाई बंधु के लिए बनाया। और ये एक ऐसा पवित्र स्थल है, आप लोग भी इसी तरह आके वीडियो शूट कर सकता है, अपनी एक मेमोरी बना सकते हैं। जो भी धार्मिक मूल्य मान्यता को फॉलो करते हैं तो आप इस पवित्र स्थल पे आ सकते हो और अपनी एक मेमोरी बना सकते हो वीडियो के ज़रिए। दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा। अब मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ। Thank you.